लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल महानगर पालिका में टैक्स प्रणाली को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में ठन गई है। आज मनपा की महासभा में विरोधी दल के कई सदस्य पीपीई किट पहनकर घुस गए और टैक्स रेट को कम करने की मांग के साथ जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतनी तकरार बढ़ गई कि महापौर को पुलिस बुलानी पड़ गई। विरोधी दल के सदस्यों का कहना था कि पहले टैक्स रेट घटाओ फिर महासभा चलाओ। इस पर सभागृह नेता परेश ठाकुर ने कहा कि विपक्षी जानबूझकर स्टंट कर रहे हैं ताकि वे जनता की नजर में सुर्खियां बटोर सकें। परेश ठाकुर ने इस स्टंट को कर्नाला बैंक घोटाले से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश भी बताया। चार साल पहले अस्तित्व में आई यही वो पनवेल महानगर पालिका है जिसकी टैक्स प्रणाली को लेकर तकरार छिड़ गई है। आज की विशेष महासभा में एनुअल रिटेबल वैल्यू को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने नया प्रस्ताव मंजूर कर लिया। अब संपत्ति कर में 40-50% छूट मिल सकेगी। आज की महासभा में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद महापौर कविता चौतमोल और सभागृह नेता परेश ठाकुर ने टैक्स रेट में 40-50% की कमी करने के निर्णय की जानकारी दी। इसके साथ ही सिडको जोन में सर्विस टैक्स कम करने पर भी जोर दिया गया। बता दें कि कल इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नगर सेवकों ने जमकर हंगामा मचाया था जिसके बाद 15 सदस्यों को एक महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। परेश ठाकुर ने बताया कि कोरोना के कारण वर्चुअल महासभा हो रही है, फिर भी विरोधी सदस्य पीपीई किट पहनकर जबरन सदन में घुस आए और टैक्स रेट में बदलाव के नाम पर नौटंकी करने लगे। परेश ठाकुर ने कहा कि यह स्टंट कर्नाला बैंक घोटाला प्रकरण से ध्यान हटाने और विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी पनवेल मनपा को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। परेश ठाकुर ने कहा कि विकास के लिए राजस्व चाहिए और इसीलिए हम चाहते हैं कि टैक्स रेट लागू हो। वहीं स्थायी समिति सभापति संतोष शेट्टी ने भी विपक्षी नगर सेवकों के रवैये को गलत बताया और उसका निषेध किया। में जहां पे कोरोना का वापस कोरोना बढ़ गया है तो पिछले जून 2020 से ये सभी मीटिंग ये ऑनलाइन की जाती है और ये मीटिंग भी ऑनलाइन की जाने वाली थी। यहाँ पे उन्होंने आके सिर्फ हंगामा किया हुआ है और वो हंगामे भी इस तरीके का था कि एक्चुअल में उन्होंने कोई भी स्टडी किया नहीं और स्टडी भी करना नहीं है। और हम खुद के जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ हमने कुछ तो किया। फिर यहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ा। आज तक सभागृह में नगर सेवक और यहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता और यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़ी है। ये बहुत ही गलत बात आज विरोधी पक्ष की वजह से हुई है। ये विरोधी पक्ष का ये सब कुछ नौटंकी है। वो कर्नाला बैंक के खिलाफ जो आमदार प्रशांत ठाकुर और विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बाल्दी जी इन्होंने वहाँ अधिवेशन के टाइम में कर्नाला बैंक के खिलाफ उन्होंने जो वहाँ पे उन्होंने एग्रीटेशन किया था तो उसको दबाने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। ये सरासर गलत है। इसकी वजह से यहाँ पे महासभा का वक्त भी जाया हुआ है और उसके साथ में ही महासभा का जो पवित्र है वो भी यहाँ पे उसको भी धक्का लगाने का काम ये विरोधी पक्ष ने किया हुआ है। विरोधी पक्ष के इस वर्तनूक के लिए हम भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिकन पक्ष की तरफ से हम यहाँ पे निषेध व्यक्त करते हैं। हमारा सम्मान्य सभागार नेता साहब ने एक 2-3 महीना के अंदर कम से कम 100 करोड़ का विकास का काम लिया, जो अपना पास सिडको का बहुत प्लॉट सब एंडवर हो गए, गार्डन का होने दो, ग्राउंड का होने दो और अपना ग्रामीण बागा का कम से कम 100 करोड़ का ऊपर का विकास का काम का मंजूर दिया हमारा महासभा में। एक मुद्दा वो है विरोध पक्ष वालों का जलते पेट में। दूसरा मुद्दा टैक्स लगना बहुत जरूरी है, टैक्स नहीं लगे तो विकास नहीं होगा। अपनों का भी अधिकारी लोग का और भर्ती है बहुत 2000 लोग, उसका पगार कहाँ से देगा? इसके लिए अपना सभागार नेता हमेशा 10 बार मीटिंग करके लोग से टैक्स लगाया उसमें कम करने का कोशिश कर रहे हैं विरोध पक्ष वाला। ये अभी आज का सभा में सब हमारा जो सत्ताधारी का नगर सेवक का एक ही मुद्दा था, टैक्स लगना बहुत जरूरी है मगर टैक्स कैसा कम करके लगा सकते हैं न्यू बॉम्बे ताना कल्याण बोले वो इस बारे में चर्चा था। विरोध पक्ष वालों को चर्चा करने का नहीं, खाली उसको दिखाने का नाटक करने का रोड में हम टैक्स को लगाने का नहीं देगा बोल के टैक्स नहीं लगेगा तो खाली विरोध करने का दिखाने का उसका चर्चा करके उसको कैसा कम करेगा वो सोचे नहीं किसका भी।
खाली विरोध करके सभा कैंसिल करो ऑनलाइन मत ले ऐसा बोलना है खाली उसको, उसको लोग को कुछ ना कुछ सुविधा देने का तैयारी में नहीं बस। इस मुद्दे पर विपक्षी नगर सेवकों का कहना था कि पनवेल महानगर पालिका ने जो टैक्स ढांचा रखा है वह नवम्बई मनपा से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के सदस्य लगातार इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए सदन में आकर विरोध करना पड़ा। ये एज पर जीआर यहाँ पे किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं है, ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे सचिव 9 जन को परमिशन देते हैं, तो इसका मतलब सचिव बड़ा या वहाँ का जो अपना कोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे कि ये कोर्ट का जो है वो अवमान है अपमान है। आप देखेंगे हम लोग 15 के लिए इतने जन लेके आए, बहुत अच्छी बात है कि हमें आपको ये भी पता चलेगा कि इतने सारे लोग यहाँ पे आज भी इकट्ठा है, तो उनके लिए कौन सा भी केस नहीं, लेकिन हम लोग जनता के लिए हमारी जो समस्या है जनता की जो समस्या है वो लेकर आए हुए हैं, तो हमारे ऊपर निलंबन और ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।